आज है सैटरडे और बाहर हो रही है झमाझम वाली बारिश और मैं आज ही कर रहे हैं कुकिंग और आज स्पेशल कुछ बनाने वाले हैं वो मेरे लिए और अंशु के लिए, है ना मेरा जी? वैसे मैंने मुझे ज्यादा चीज आता नहीं है बनाना, इनको सिर्फ दो या तीन चीज बनाने आती है, एक मैगी आती है, एक अंडा बनाना आता है बस, और एक पानी उबालना आता है बस। तो आज मैं इन दोनों से अलग चीज बना रहा हूँ। हाँ, लेकिन स्टाइल तो वही होगा। स्टाइल वही है। तो मेरा जी बना रहे हैं पनीर की भुज्जी, और पनीर भी कौन सा वाला, स्पेशल वाला जो इन्होंने खुद बनाया है। ये क्या है, कल हमारा जो दूध था ना, दूध फट गया तो हमने उसका पनीर बना दिया है, अब इसकी बन सकती है बस भुजिया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज मेहरा जी का व्रत है, वो बेचारे खाएंगे भी नहीं, वो सिर्फ अंशु और मेरे लिए कुकिंग कर रहे हैं क्योंकि इनकी छुट्टी भी है और बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। मैं और अंशु सोए थे आराम से मजे से और मेहरा जी से मैंने कहा यार मेरा आज बिल्कुल खाना बनाने का मन नहीं हो रहा है, इतनी खूबसूरत सा मौसम हो रहा है बारिश का। तो मेहरा जी ने कहा आज खाना मैं बनाऊंगा, मेरे तो ऐसा लगा ना मेरे कानों में क्या बताऊँ, ऐसी ध्वनि सुनाई दी कि मज़ा आ गया। तो मैंने कहा इसको सूट कर लेते हैं, ये बहुत ही क्या बोलते हैं उसे, रेयर मूवमेंट। हाँ, रेयर और बहुत अच्छा मूवमेंट है कि मेहरा जी कुछ बना रहे हैं हम दोनों के लिए। तो अभी चल रहा है इनका कटिंग शटिंग का काम, ये तो एक्सपर्ट है इसमें तो क्योंकि ये करते रहते हैं इसको। आपने हमारे ब्लॉग में देखा होगा जब भी हम कहीं बाहर कुकिंग करते हैं तो सब्जी अपनी सारे मैं ही काटता हूँ। हाँ, खाना दिमाग बनाती है क्योंकि मुझे सब्जी काटना पसंद नहीं है, आता नहीं है बोलना आता क्यों नहीं, क्या करना है काटने ही तो है। बस ये है कि हाँ मुझे प्याज काटने से बहुत आंखों में जलन होती है। हवा के साथ साथ बाहर बारिश भी आ रही है मेरा जी, तो बहुत खूबसूरत सा मौसम है और मैं अपने पति के हाथों का खूबसूरत सा पनीर भुज्जी खाने वाली हूँ, वो भी इनके इन्होंने खुद घर पे बनाया है फटे फुटा कर, हमारा एक किलो दूध फट गया पूरा सब इसकी वजह से। तो गाइस बताइएगा आपको कैसा लगता है मेहरा जी के हाथ का पनीर भुज्जी, अभी तो बनाई नहीं है अभी दिखाएंगे ना। और आप लोग भी हमारी फैमिली हो गए, रोज रोज हम आपसे मिलने आ जाते हैं तो आपको भी खिलाएंगे पनीर भुज्जी। अब हम इसमें डाल रहे हैं प्याज, ये देखिए बनने वाला है हमारा पनीर भुजिया, फाइनल आउटकम थोड़ी देर में दिखाऊंगा। हेलो गाइस, ये देखिए बाहर का मौसम कितना सुहाना हो रहा है, बारिश हो रही है हल्की हल्की और आज तो रेड अलर्ट भी बता रखा है। तो मैं लेने जा रही हूँ सब्जी, वो जो एक बुबू जी हैं वो बेचारे इतनी बारिश में भी आ रखे हैं, देखो सब्जी बेचने के लिए। बाबा जी आप इधर ठंडे बारिश में भी आ गए, ये देखो टमाटर ले रही हूँ मैं, ये बाबा जी भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बेचारे बाबा जी को भी ठंडा लग गया है। बाबा जी लो, भीग गए होगे ना आप ज़्यादा, तब हो गया था, देखती हो मेरे पास कहीं ऊपर एक रेनकोट पड़ा होगा सर पुराना, देती होगी। ये देखो कितना सुंदर सुहाना मौसम हो रहा है बारिश का और ये बेचारे बाबा जी को बहुत ठंडा लग गया, मैं देखती हूँ अगर मेरे पास एक पुराना रेनकोट पड़ा था, अगर वो मिल जाता है तो मैं देती हूँ बाबा जी को। तो फाइनली मुझे एक रेनकोट मिल गया है तो मैं बाबा जी को दे देती हूँ। ये मेहरा जी के पास था दो तीन रेनकोट थे, एक पुराना जो फट गया था फिर मैंने उसे सिल के घर पे कर दिया था लेकिन ये नया रहेगा तब तक, तो बाबा जी को मैंने रेनकोट दे दिया है, पहन लो सर, कर दे सर में भी डाल लेना ये ना ऊपर से, ठंडा भी नहीं लगेगा ये दिए, बाबा जी हीरो बन गया देखो अब वैसे एक दूसरा भी मिल गया। अरे हाँ यार तुम्हारी गैस की भूल गई मैं, सुनो भाभी को एक गैस की दवाई चाहिए। तो ये है गैस की दवाई जो मैं भाभी को दे रही हूँ, ये अंदर गोलियाँ हैं उसके अंदर, ये पजामा है। चलो ठीक है बाबा जी जाओ फिर। हाँ मेहरा जी फाइनली सुबह सुबह एक मैंने अच्छा काम किया, वो बेचारे बुजुर्ग बहुत ही ठंड से कड़कड़ा रहे थे, वो भीग भी गए थे बेचारे, वैसे भी हमारा पुराना ही था वो, कुछ काम तो आता नहीं, पड़े पड़े सड़े रहता अंदर। ग्रेट जॉब देमो। ये देखो मेरा बेटा कैसे पड़ा हुआ है बिस्तर पे, ये आज हॉलीडे इंजॉय कर रहा है, कल डीएम ने इनको छुट्टी दे दी है बारिश की वजह से, तो ये मज़े कर रहे हैं। अंशु छुट्टी ना बारिश की वजह से दी कि घर में पढ़ाई करो, ऐसे नहीं कि फ़ोन में लगे रहो। सही बात। ये देखो ये हमारे कान्हा जी भी बैठे हुए हैं इन दोनों के बीच में, मज़े कर रहे हैं, कह रहे तुम दोनों से, कह रहे हैं कि दोनों फ़ोन में लगे पागल कहीं के। लो आप भी ले लो फ़ोन थोड़ी देर के लिए। नहीं चाहिए उनको, वो वैसे मस्त है मौसम देखकर। तो अब हम मेहरा जी ने बना दिया है पनीर भुजिया, मैं बनाती हूँ रोटियाँ, फिर हम दोनों खाते हैं। मेहरा जी का तो फास्ट है सैटरडे का, वैसे मैं भी रखती थी आज नहीं रखा है, तो बस चलती हूँ मैं रोटी बनाती हूँ, तब तक तो तुम दोनों यहाँ पे फ़ोन में लगो मस्ती करो, मैं भी आऊँगी उसके बाद हम तीनों फ़ोन में लगेंगे। ये देखो प्राची आ गई है, सो के उठ के आ गई है प्राची।
सुबह के 5 बजे अभी काम आ गई। बाबा जी सब्जी बेचने आए थे तो उनको बहुत बारिश से भीग गया था, तो मैंने उन्हें पुराना एक रेनकोट पड़ा था हमारा, यूज़ तो था नहीं उसका, फट रहा था वो, मैंने उसे सिला था तो रखा था, मैं जी नया ले आए थे तो मैंने रेनकोट उनको दे दिया, तो वो बेचारों को थोड़ा अच्छा लगा कि उससे उन्हें थोड़ी गर्मी भी हो गई और बारिश से भीगे भी नहीं। तो आपके घर के ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि मतलब ऐसे में से शूट नहीं करती लेकिन मैंने कर दिया ताकि आप लोग के पास भी अगर घर के आसपास कोई ऐसा जा रहा है और आपके घर में अंदर ऐसे वेस्टेज पड़ा है जो आपके यूज़ में नहीं है तो आप उन्हें दे सकते हैं ऐसे, तो उनका काम बन गया और हमारा ऐसा कुछ नुकसान हुआ नहीं इसमें, तो आप ऐसा कर सकते हो। तो ये बनाया है मेहरा जी ने पनीर भुर्जी। मुँह की आदत पता है क्या है, गिरा देती है। छुपा रही थी कि मेहरा जी को दिखे ना, लेकिन मैं देख ही लिया। गीली सब्जी होती है तो समझ में आता कि यार थोड़ा सा तरी गिर गई, ये सूखी सब्जी को भी ऐसे गिरा देती है। कहाँ से सीखा है तुमने ऐसा हुनर? ये ना मेरा बर्थ से ही है, मैंने पहले से ही पैदाइशी सीख के आई हूँ। तो देखते हैं कैसा बनाया मेहरा जी ने। आंसू, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं मेहरा जी, तुमने मुझे अपने हाथ से बना के खिला रहे हो। मस्त। अंशु तुमने तो खाया नहीं अब तक। अच्छा खाया नहीं इसीलिए मस्त लग रहा है, खाने का बुरा ही। फाइनली मतलब मैंने घर का सारा काम निपटा लिया है, पूजा पाठ भी हो गई है, कान्हा जी को नहला के देखो उन्हें दही दे दिया हमने, वो दही खा रहे हैं क्योंकि इसमें उन्हें प्याज लहसुन नहीं देते हम लोग, दही दूध और जूस वगैरह देते हैं क्योंकि अभी छोटे ही से बच्चे हैं। अरे बड़ा बच्चा हो गया है, हटाओ कैमरा मुख के आगे से, खाएंगे कैसे? ये तो दिखा रहा हूँ कैसे खाते हैं। दिया बहुत और करूँ, बहुत ही अच्छा रहा, ऐसा लग रहा है ना रेस्टोरेंट फील है खाने। सच में बताऊं ज्यादा ओवर होगी तारीफ, जो भी और लेडीज है देख रही होंगी समझ सकती है कि ये खाना 5 स्टार से भी ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये हमारे पति ने बनाया है। हां ये रेवज को भी पता है, मजा आ गया। चलो खाओ खाओ फिर। रोज मैं अपने हाथ से बना के खाती हूं, आज मैंने जी ने बना के खाया तो मतलब अलग ही टेस्ट आ रहा है, मजा आ गया। 2000 years later। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं शनि मंदिर क्योंकि आज सैटरडे है और मेरा जी का फास्ट है, तो हम जाएंगे शनि मंदिर और दिया जला के आएंगे। तो दिखाती हूँ आपको हमारे यहाँ का शनि मंदिर। देखो आज बारिश हुई है तो रोड कितनी हो रही है ना, और ठंडा ठंडा हो रहा है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है वाला। मैं भी यही बोलने आता, मौसम बहुत प्यारा हो रहा है। देखा हम दोनों की सोच कितनी मिलती जुलती है। बस हमारे घर के बिल्कुल पास ही में मंदिर है, मंदिर ही मंदिर है। हमारी कॉलोनी में 3 मंदिर है ना मेरा जी, अभी वाला तो बन रहा है क्योंकि इसका काम चल रहा है अभी, पहले यहाँ पर भी बहुत सुंदर मंदिर था। ये आ गया हमारा पीपल का पेड़, पता है मेरा जी और क्यों करते हैं पूजा इसकी, कुछ पता है इसका साइंटिफिक? ज़्यादा ऑक्सीजन देता है वो, मुझे पता है। ये देखो हमारे लड्डू गोपाल भी आए हैं आज हमारे साथ। लड्डू आप यहाँ पर वेट करो, मैं दिलाती हूँ। मंदिर आ गए लेकिन मैं तेल की शीशी वहीं भूल आया, ये होता है जल्दीबाजी का नतीजा। ले देमो वाला जो पेड़ है वो पीपल का पेड़ है और ये है बड़ का पेड़। यहाँ पर ही होती है बड़ सावित्री की पूजा, जो मैं आई थी यहीं आई थी इसी की, मैंने डाउन डाउन चक्कर लिए थे और ये सामने धागा बांधा था यहाँ पर पति की लंबी उम्र के लिए जो व्रत होता है वाला। सावित्री की पूजा करने हम यहीं आए थे, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर, बहुत शांति और बहुत ठंडा ठंडा लगता है इसके नीचे। और मतलब मेरा जी ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं, हम हर शनिवार आते हैं और ऑक्सीजन एक हफ्ते के लिए लेके जाते हैं पूरी। मेरा जी बहुत सारे फास्ट रखते हैं, थर्सडे का भी रखते हैं, सैटरडे का भी रखते हैं, वैसे आदमी बहुत कम रखते हैं ना मेरा जी। जब मेरे को पता चला ना तुम फास्ट रखते हो तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा था, मुझे कुछ कुछ होता कि शाहरुख खान की याद आ गई थी, वो छुप छुप के मंदिर जाता था लड़कियों से, क्योंकि मैंने जी छुप छुप के नहीं आते हो मेरे को लेके आते हैं। बनाऊंगी बहुत अच्छी सी खिचड़ी। जय शनि देवाय नमः। जय शनि देवाय नमः। जस्ट बगल में ही यहाँ पर शनि मंदिर, तो चलते हैं। ये शीश महल है, शीश महल में मेन रोड पे ही है शनि मंदिर, और बगल में ही देखो नहर आज कैसी हो रही है, पूरा पानी गंदा हो रहा है क्योंकि बारिश हो रही है ऊपर को बहुत, पहाड़ों को भी हो रही है यहाँ को भी हो रही है। तो यहाँ पे पहले शिव मंदिर था, तो अभी इस मंदिर का पुनर्निर्माण होगा और यहाँ पे भी ये बड़ का पेड़। जय हो भगवान जी। और ये है शनिदेव का मंदिर। जय शनिदेवाय नमः। सब पर कृपा करना।
बहुत सुंदर मंदिर था और अब उसका पुनर्निर्माण हो रहा है, तो अब कुछ दिनों में आपको यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत मंदिर मिलने वाला है, क्योंकि काम स्टार्ट हो गया है, चल जाएगा कुछ दिनों में। तो ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। जिन लोगों ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट करके बताना हमारे ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस पहाड़ी। जय शनि देवाय नमः। जय शनि देवाय।